हेलो, ईजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज के अनुच्छेद के बारे में और उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज के हम अनुच्छेद याद करें, उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला है तथा यह लागू कब हुआ है? 1993 में। एक चीज़ देखिए यहाँ कॉमन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3, 73वें संविधान संशोधन के लास्ट में 3 तथा लागू हुआ है 1993 में, यहाँ भी 3 तथा हम पंचायती राज के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं उसमें भी देखिए यहाँ लास्ट में 3, 243 के लास्ट में 3। एक चीज़ ये तो हो गई, हम पंचायती राज से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको उनपे ऊपर हमने नज़र डाल लिया है कि लास्ट में इनके 3 आता है ज़्यादातर। अब जब भी हम कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उसकी परिभाषाएं। तो यहाँ भी क्या पढ़ेंगे हम? परिभाषा। उसके बाद हम अनुच्छेद आगे स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ए में ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, इसको आपको याद रखना है। बी से मैं आपको याद करा देता हूँ। बी मतलब बनना से याद रखिए, बी मतलब बनना, काय का बनना, ग्राम पंचायत का बनना। किसको पढ़ रहे हैं हम? पंचायत को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी बनना किसको बनना? ग्राम पंचायत का बनना। तो बी फोर बनना, किसका बनना? ग्राम पंचायत का बनना। यहाँ लिखा ना ग्राम पंचायतों का गठन, गठन मतलब ग्राम पंचायत का गठन मतलब ग्राम पंचायत का बनना, बनना मतलब बी। डी 243D, स्थानों का आरक्षण। कौन से स्थानों का आरक्षण? जहाँ दबे हुए समुदाय के लोग हैं, दबे हुए समुदायों को हम आरक्षण मिल देते हैं, है ना? आरक्षण किसको देते हैं? दबे हुए समुदाय को, ST, SC और OBC या महिलाएं, है ना? तो डी से आपको याद रखना है, दबे हुए समुदाय को आरक्षण। आरक्षण की जैसी बात आएगी तो हाँ समझ जाओ कि दबे हुए समुदाय को हमें आरक्षण देना है, डी से आप याद रख सकते हो। इसके बाद है 243E, पंचायतों का कार्यकाल या अवधि, मतलब कितने ईयर पंचायत का कार्यकाल होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ईयर मतलब ई से याद रख सकते हो, ई से ईयर, जब भी 243E आए तो समझ जाओ हाँ पंचायत के कितने साल काम, कितने साल या कितने ईयर पंचायत चलेगी, इस बारे में बात होना है। अगला है 243F, इसमें दिया है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। ये देखिए अयोग्यताएं मतलब फेलियर, F फॉर फेलियर, इसको याद रख सकते हो। फेलियर मतलब अयोग्यताएं, अयोग्यताएं वाली बात हुई, हाँ फेलियर वाली बात हो रही है, तो F में क्या आ जाएगी? फेलियर, अयोग्यताएं वाली चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरीके से 243G, जी जी एनर्जी, शक्ति, है ना? देखो पंचायतों की शक्तियों के बारे में वर्णन है। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। जी आया, ठीक। और जब भी कोई शक्तिशाली आदमी आपसे कुछ बोले तो शांत बिल्कुल जी हाँ बोल दो। क्या बोलोगे? जी हाँ। कोई भी शक्तिशाली आदमी आपको काम बताए तो क्या बोलोगे? जी हाँ, है ना? यहाँ देखिए पंचायतों की शक्तियाँ जी में हैं और एनर्जी, एनर्जी में आता है जी, है ना? उससे ज़्यादा आप याद रख सकते हो। अगला है एच, जी हाँ, मैंने बोला था जी हाँ, जी के बाद हाँ, हाँ मतलब एच। यहाँ भी देखो कार अधिरोपित करने की शक्तियाँ, यहाँ भी आ रहा है शक्तियाँ, तो जी के बाद हाँ। पहले में पंचायतों की शक्तियाँ बताया गया है, दूसरे में पंचायतों की क्या शक्तियाँ? कार अधिरोपित करने की शक्तियाँ, अगले में एच, है ना? अगला है 243I, 243I, आई फॉर इनकम, इसको याद रखिएगा, आई फॉर इनकम। वित्तीय स्थिति के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त मतलब क्या? पैसा, पैसा मतलब क्या? इनकम की बात हो रही है ना? तो आई से याद रखेंगे इनकम। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 243J, है ना? जे आप याद रखिए, जे 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 में क्या लिखा है? पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब जांच, है ना? आपने जो भी लेन देन किया है उसका लेखा जोखा रखा होगा, उसकी जांच के बारे में वर्णन होता है। जे से याद रखिए लेन देन की जांच या लेखा जोखा की जांच, है ना? लेखाओं की संपरीक्षा मतलब लेखा जोखा, जे जैसे याद रखिए लेखा जोखा की बात हो रही है या जांच की बात हो रही है, तो जे फोर जांच या जे फोर लेखा जोखा। अगला है 243K,
243 के पंचायत के लिए निर्वाचन, पंचायत के लिए निर्वाचन मतलब कैंडिडेट का चयन की बात हो रही है, पंचायत में जो कैंडिडेट हैं है ना, जो कैंडिडेट हैं उनके चयन की बात हो रही है। तो के मतलब कैंडिडेट, कैंडिडेट कहाँ का कैंडिडेट, पंचायत का कैंडिडेट, पंचायत में सरपंच कौन रहेगा, उप सरपंच कौन रहेगा है ना, आपके मेंबर कौन रहेंगे, तो उन कैंडिडेटों के बारे में चर्चा होगी। काय के बारे में, काय में 243 के में, तो अब याद रखिए के फोर कैंडिडेट का चयन हो रहा है। हाँ ठीक, अगला है 243 L है ना, अगला है 243 L, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। देखिए संघ राज्य क्षेत्रों में एक लॉ के तहत ये पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, जिसको राष्ट्रपति उसमें कुछ बदलाव करके लागू कर सकता है। संघ राज क्षेत्र में जो जिस तरीके से राष्ट्रपति को लागू करना है ना, उसकी व्यवस्था दी गई है 243 L में। तो L को याद रखिए, लागू करना है ना, किस तरीके से लागू करना, राष्ट्रपति जैसा अच्छा चाहे वैसा लागू करना। कहाँ लागू करना, संघ राज क्षेत्र में लागू करना। M 243 M, M मतलब मना, M मतलब मना, इसका कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना है ना, कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना। तो लागू ना होना मतलब मना है भैया, लागू ना होगा है ना, जैसे मेघालय नागालैंड जैसे एरिया है यहाँ पे लागू नहीं है। इसके बारे में एक मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किन किन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अगला है 243 N, 243 N में विधियों व पंचायतों का निरंतर बना रहना, निरंतर N4 निरंतर बना रहना है ना, मतलब पंचायत में कौन कौन सी विधियां हैं उसका निरंतर बना रहना के संबंध में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 243 N। तो N4 आप याद रखिएगा, निरंतर बना रहना। अगला है 243 O, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, वर्जन मतलब अपोज नहीं करना है हमें, O4 अपोज, कौन अपोज नहीं कर सकता निर्वाचन संबंधी मामलों में, राज्य सरकार का न्यायालय नहीं कर सकता अपोज है ना, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। B4 बनना, काय का बनना, पंचायतों का बनना। सी, सी में क्या है, संरचना, काय की संरचना, पंचायत की संरचना। इसी प्रकार डी है ना, अनुच्छेद डी में क्या है, डी में दबे हुए समुदाय को आरक्षण। ई, ई क्या है, ईयर, ईयर मतलब पंचायत की अवधि कितनी रहेगी, पंचायत का कार्यकाल कितना रहेगा। F4 फेलियर, मतलब अयोग्यताएं वाली बात होगी जहां, तो F वाला आएगा आर्टिकल। इस तरीके से जी, जी मतलब एनर्जी, शक्ति, जहाँ शक्ति की बात होगी वहां जी, और हाँ जी हाँ मैंने कहा था जो शक्तिशाली आदमी उसको बोलना जी हाँ, ठीक है। तो हाँ कर है ना, पहले में शक्तियों, शक्ति के बारे में बताया गया, दूसरे में कौन सी शक्ति, कर लेने की शक्ति, पैसा वसूलने की शक्ति। आई, I4 इनकम है ना, इनकम मतलब वित्त है ना, वित्त से संबंधित आर्टिकल हो गया। जे कौन सा, जे जांच, काय की जांच, आपने जो लेखा जोखा दिया होगा उसकी जांच है ना, लेन देन किया होगा उसकी जांच। अब बात है के मतलब कैंडिडेट का चयन, कैंडिडेट का चयन मतलब निर्वाचन है ना, पंचायत में जो निर्वाचन हो रहा है, पंचायत में जो कैंडिडेट का चयन हो रहा है उसके बारे में। के एल, एल मतलब लागू होना, कहाँ लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज का लागू होना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 243 L। एम, एम मतलब मना है ना, कतिपय क्षेत्र में लागू का ना होना यानी मना है कि भैया लागू ना होगा, मना ना, निरंतर बना रहना है ना, कि पंचायती राज व्यवस्था है वो निरंतर कैसी बनी रहेगी उसके बारे में अनुच्छेद कौन सा में है, N में। ओ मतलब न्यायालय अपोज नहीं कर सकता है, राज्य सरकार जैसे चाहे वैसे निर्वाचन कराएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए, तथा इस टॉपिक के अलावा आप किसी भी टॉपिक में आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक नए ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। और यदि आप नए वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना, तथा नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।